नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आशीष एजुकेशन समाचार चैनल पर। साथियों, इस वीडियो के तहत आपको कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा भरतपुर संभाग भरतपुर से संबंधित डीपीसी को लेकर के महत्वपूर्ण अपडेट दी जाएगी। तो साथियों, सबसे पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा साथियों, हर प्रकार के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आइए जान लेते हैं इस वीडियो के तहत डीपीसी को लेकर के महत्वपूर्ण अपडेट। यहाँ पर देख सकते हैं, कार्यालय आदेश जारी हुआ है स्कूल शिक्षा भरतपुर संभाग की ओर से। राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम 99 के नियम 32 से 34 के प्रावधान अंतर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की जो आयोजन बैठक 16 मार्च को हुई, उसकी अभिशंसा के आधार पर कनिष्ठ सहायक पद पर नियमित रूप से नियुक्त कार्मिकों को चयन वर्ष 23-24 की रिक्तियों के विरुद्ध उनके नाम के सम्मुख अंकित रिक्ति दिनांक से वरिष्ठ सहायक के पद पर पैमेट्रिक्स एल एट में वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर पदोन्नत किया जाता है। तो आप साथियों देख सकते हैं, यहाँ पर 16 मार्च को जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग के आधार पर कनिष्ठ सहायक से वरिष्ठ सहायक, जी हाँ, यहाँ पर पदोन्नति हुई है। और भरतपुर संभाग से संबंधित ये अपडेट आपको दी जा रही है। इसके अलावा साथियों, उदयपुर संभाग की भी इसे तो जो है आदेश जारी हो चुके हैं 23-24 से, यहाँ पर कनिष्ठ सहायक से वरिष्ठ सहायक पदोन्नति को लेकर के। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले वरिष्ठता क्रमांक क्या दिया हुआ है। वरिष्ठता की अवधि है कार्मिक का नाम, पदस्थापन स्थान और लास्ट वाले कॉलम में आप देखेंगे चयन तिथि दी हुई है। तो इस वीडियो के तहत पूरी लिस्ट आपको बताई जा रही है, बड़ी लिस्ट है यहाँ पर भरतपुर संभाग से संबंधित, आप वीडियो के स्क्रीन में देख सकते हैं। इनके लिए आवश्यक निर्देश हैं वह भी आपको वीडियो में आगे बताया जाएगा, आप देख सकते हैं पूरी लिस्ट। इसके अलावा उदयपुर संभाग से संबंधित भी यहाँ पर जो है लिस्ट जारी हो चुकी है, कनिष्ठ सहायक से वरिष्ठ सहायक पदोन्नति को लेकर के 23-24 16 मार्च को गठित विभागीय जो है मीटिंग, उसके आयोजन के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन में। इसके अलावा इनको जो है महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। इसके अलावा साथियों, शिक्षा विभागीय जो प्राध्यापक डीपीसी है उनको लेकर के आपत्तियाँ मांगी गई थी और उनका समय पूरा हो चुका है, जो अस्थायी वरीयता सूची जारी हुई थी उसके बाद में। अब साथियों, जैसे ही अन्य कोई अपडेट आएगी आपको अवश्य इस बारे में सूचित किया जाएगा। अभी तो इस वीडियो में यही है और इनके लिए जो आवश्यक निर्देश हैं वह आपको बता रहे हैं। यहाँ पर ये बड़ी लिस्ट है साथियों, देख पा रहे होंगे आप। इन सभी आदेशों की पीडीएफ और सूचनाएं आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 279 टोटल कार्मिकों की लिस्ट जारी हुई है। आवश्यक निर्देश है यहाँ पर, नवीन चयनित वरिष्ठ सहायक के पदोन्नति पर पदस्थापना आदेश अलग से जारी किए जाएंगे। इसके अलावा सेवानिवृत्त, मृत्यु और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के प्रकरणों के अतिरिक्त सभी नवीन पदोन्नत कार्मिक पदोन्नति पर अपने वर्तमान पदस्थापन स्थान पर यथावत कार्य करते हुए कार्यक्रम रिपोर्ट तत्काल संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक दिनांक 20 मार्च 2024 को यहां पर प्रस्तुत करेंगे। आप देख सकते हैं 20 मार्च तक इनके लिए समय दिया है। इसके अतिरिक्त जो कार्मिक वर्तमान में वरिष्ठ सहायक पद पर अथवा उच्च स्तर पद अथवा अन्य पद पर कार्यरत हैं, उनके चयन के संबंध में उक्त आदेश का इंद्राज उनकी सेवा पुस्तिका में आवश्यक रूप से किया जाकर तत्संबंधी कार्रवाई की जाएगी। स्थानांतरण अधीन कार्मिकों के प्रकरण में वर्तमान पदस्थापन पद से तात्पर्य यहाँ पर नवीन पदस्थापन से है। तो आवश्यक निर्देश दिए हुए हैं कनिष्ठ सहायक से वरिष्ठ सहायक पदोन्नति को लेकर के यहाँ पर। और संबंधित कार्यालय अध्यक्ष अथवा संस्था प्रधान पदोन्नत कार्मिक को कार्यक्रम कराने से पहले यह आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें कि किसी कार्मिक के विरुद्ध कोई जाँच विचाराधीन होने की स्थिति अथवा स्थायीकरण नहीं होने की स्थिति में, तथा जिन कार्मिकों की नियुक्ति कनिष्ठ सहायक पद पर मृत राज्य कर्मचारी आश्रित क्रम में नियुक्ति हुई है, उसके द्वारा दिनांक 1 अप्रैल 2023 से पूर्व यदि टंकण परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की गई हो, यहाँ पर निर्देश दिया हुआ है इनमें विधवा कार्मिक को छोड़ करके, तो कार्यक्रम नहीं कराया जाकर इस कार्यालय को सूचित करना होगा। और 1 जनवरी की स्थिति में इस वर्ष का अचल संपत्ति विवरण ऑनलाइन भर दिया गया हो, यह भी इनमें यहाँ पर संबंधित कार्यालय अध्यक्ष अथवा संस्था प्रधान को यहाँ पर ध्यान रखना होगा। इसके अलावा 1 जून 2002 उसके बाद संतान उत्पत्ति से संतानों की संख्या 2 से अधिक होने के कारण प्रथमा पदोन्नति हो रही है, उनसे संबंधित भी यहाँ पर अपडेट दी हुई है। तो साथियों, ये थी इस समय की अपडेट कनिष्ठ सहायक से वरिष्ठ सहायक डीपीसी को लेकर के, यहाँ पर भरतपुर संभाग से संबंधित ये आपको बताई गई है। इसके अलावा साथियों, उदयपुर संभाग की भी जो है आदेश इसे तो जारी हो चुके हैं। और साथियों, जैसे अन्य संभाग के या अन्य कोई अपडेट आएगी
शिक्षा विभाग डीपीसी को लेकर के आपको अवश्य इस बारे में सूचित किया जाएगा। उम्मीद है कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आएगा। साथियों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।